हेलो एंड वेलकम दोस्तों। रिया के अकाउंट से मार्च के महीने में निकाले गए थे ड्रग्स के लिए कुछ पैसे। बताते हैं कोर्ट में इन पैसों को निकालने की वजह क्या बताई गई है और क्या कुछ दलीलें दी गई हैं। वेल दोस्तों, एनसीबी ने ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ मिरांडा को भी हिरासत में लिया हुआ है। उनके वकील कोर्ट में जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिया के वकील ने कोर्ट में एनसीबी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि रिया और उनके भाई बिल्कुल निर्दोष हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी जमानत के ऑर्डर्स भी अभी पेंडिंग हैं। बेल के लिए बहस करते हुए उनके वकील सतीश माने शिंदे ने कहा है कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा खर्चों का ध्यान रखते थे। कोई सवाल ही नहीं उठता कि रिया सुशांत के ड्रग्स को फाइनेंस करे। रिया पर ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होने का भी आरोप लगाया गया है। इस पर माने शिंदे ने कहा कि यह आरोप सिर्फ इसलिए लगाया गया कि 17 मार्च को रिया ने अपना क्रेडिट कार्ड सैमुअल मिरांडा को दिया था। उसने 10,000 रुपए निकाल कर ब्रांड दवाइयां खरीदी थी। उन्होंने कहा कि रिया के कार्ड से डायरेक्टली किसी पेडलर का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए उनका ड्रग नेक्सस से कनेक्शन जोड़ना गलत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत के पास पैसों की कमी नहीं थी जो रिया को उनको पैसे देने पड़े। वकील ने यह भी कहा है कि सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ अप्रैल 2019 में आए थे। वो इससे पहले से ही ड्रग्स ले रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दो को-स्टार्स सारा अली खान और श्रद्धा कपूर एनसीबी को ये बयान दे चुकी हैं। फिलहाल अब रिया और सुशांत मामले में क्या होगा आगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।